नमस्कार, हम देख रहे हैं क्लास 7 का यह सेकंड लेसन है, धर्म से बड़ा इंसान। तो पिछले भाग में हम इसका देखे कि धर्म से बड़ा इंसान में ये नाटक है कि इसका मुख्य संदेश जो है, धर्म जीवन जीने का एक माध्यम है। धर्म स्वयं मनुष्य नहीं, किंतु मनुष्यों के द्वारा यह जीवित है। धर्म जो है क्या है, जीवन जीने का एक माध्यम है। तो हम देख चुके थे यहाँ पर ये नाटक का जो पात्र परिचय दिया हुआ है, और दीपक जो है अपने ड्राइंग रूम में अपने ऑफिस से आके बैठता है। उसका जो अपनी पत्नी रोशनी से बातें करती है, पुनः उसका बेटा दिनेश आता है और वो कहता है कि छिप जाओ बाहर, खिड़की और दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि बाहर शोर हो रहा है, राम मंदिर के लिए लोग आ रहे हैं। अब दिनेश क्या करता है वो हम आगे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दिनेश के कहने पर दीपक क्या करता है कि दीपक रुको रुको, ये कपड़े पहनो, ये कपड़े पहनो। अब दीपक क्या करता है, एक बैग से निकाल कर कपड़े सबको देता है जिस पर राम राम लिखा हुआ है, सबको तिलक लगा देता है और दरवाजे पर एक बोर्ड रख देता है जहाँ पर लिखा हुआ है हमारा मंदिर वहीं बनेगा, और तीनों हवन कुंड में सामग्री डालकर श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं। बाहर से कुछ लोग झंडे लेकर आते हैं। नाटक है तो नाटक में ये दृश्य दिखाया जा रहा है कि दिनेश जब बाहर का शोर सुनकर दिनेश आता है और कहता है क्या, दरवाजे खिड़की बंद कर लेने के लिए, तो दीपक अपने बैग से कपड़े निकाल कर सभी को पहना देता है जिस पर राम नाम लिखा हुआ है, और वो दरवाजे पर एक बोर्ड रख देता है जिस पे लिखा है हम मंदिर वहीं बनाएंगे, क्योंकि हिंदू का शोर था इसलिए हिंदू का अनुकरण करते हिंदू बन जाते हैं, और हवन कुंड में सामग्री कुछ डालने लगते हैं, श्लोक यानी स्तुतिकरण करने लगते हैं, लोग समझे कि हम हिंदू हैं और मंदिर बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अब आगे देखिए, दो व्यक्ति जो है उनके घर पहुंचते हैं, कहते हैं कि लूट लो, यानी कि इनकी संपत्ति को ले लो, इन्हें मार डालो, हिंदू होते हुए मंदिर का साथ नहीं दिया है और यहाँ पर ध्यान लगा के बैठे हैं। अब हिंदू वाले क्या कह रहे हैं कि इन्हें लूट लो, मार तो ये हिंदू होते हुए भी हमारा साथ नहीं दिया है इसलिए, और यहाँ पर ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। अब आगे देखो, देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति रुको यह क्या, और दूसरे व्यक्ति का नजर उस बोर्ड पर चला जाता है जिस पे लिखा हुआ है कि हमारा मंदिर वहीं बनेगा, उसे उठा लेता है, देखता है, और रोशनी इतने में क्या करती, रोशनी यानी दीपक की पत्नी उठकर उन्हें प्रसाद देती है। प्रसाद जो ईश्वर को समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, उनको प्रसाद कहते हैं। ये लीजिए प्रसाद, मंदिर वहीं बने इसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। अब रोशनी क्या कहती है, उन्हें प्रसाद देती है और कहती है कि हम मंदिर के उसी स्थान पर बनने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अब पहला व्यक्ति ठीक है रामलला की जय, रामलला यानी रामचंद्र की जय करते हैं कि ठीक है आप हिंदू हैं और हमारे साथ हैं इसलिए अब ठीक है। दूसरा, चलो राम भक्तों, ये तो अपने ही आदमी हैं, सब चले जाते हैं, यानी कि कई सारे आदमी अंदर आते हैं और इनको राम भक्त समझ के वे सभी चले जाते हैं। रोशनी बच गई, जान बच गई। अब रोशनी, वे लोग चले जाते हैं तो रोशनी क्या कहती है, हम लोगों की अब जान बच गई, नहीं हम ऐसा करते तो हमारी मौत भी हो सकती थी, जान भी बची और माल भी बचा। अब दीपक क्या कह रहा है, जान यानी हमारे प्राण की भी रक्षा हुई और संपत्ति भी बचा, नहीं तो जला देते हमारा घर, वे लोग क्या करते हमारे घर को जला देते, सब कुछ नष्ट हो जाता, हम भी जान से चले जाते, इसलिए इस ढोंग से ये जो मैंने दिखावा किया उससे हमारी जानें बच गई। उसके बाद दीपक, मुझे लगता है यहाँ हमारी दाल कच्ची ही रहेगी, हाय राम मेरी तो जान ही निकली जा रही है, अब क्या होगा। दिनेश बेटा पानी लाना। अब रोशनी कह रहे हैं कि हाय राम मेरी तो जान निकल, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वे लोग चले गए लेकिन मेरा कंठ सूख रहा है, इससे दिनेश बेटा पानी लाना। अब दिनेश आता है पानी लाने के लिए। इससे पहले दीपक क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ हमारी दाल कच्ची ही रहेगी। दीपक अपने मन का अंदेशा जाहिर करता है कि हमारी दाल कच्ची ही रहेगी, यानी कि हाँ मेरा
कुछ नहीं चलने वाला, दाल कच्ची रहना यानी कि हमारी बातों का असर ना होना। रोशनी दिनेश पानी लाता है इस बीच में। अब रोशनी पानी पीकर कुछ करो कुछ सोचो, यानी कि कुछ मुझे और भी करना है। फिर बाहर से शोर आता है। अब ये लोग सोचे बैठे हुए हैं और बाहर से शोर सुनाई देता है, हमारी मस्जिद वहीं बनेगी। अब बाहर का शोर सुनकर रितिका जो है दिनेश और रोशनी की बेटी, वो दौड़ती हुई आती है। उसका सांस फूल, यानी कि सांस तेज चल रहा है, और वे दौड़ती हुई आवाज़ आती है, देती है और कहती है, पापा मम्मी मम्मा पापा छिप जाओ छिप जाओ, हम सब मारे जाएंगे। अब वो रितिका क्या कह रही है, पापा मम्मा छिप जाओ क्योंकि अब मस्जिद वाले आ रहे हैं, वो हमें मार डालेंगे, इसलिए छिप जाओ। शोर बढ़ता जाता है। दीपक रुको रुको, पहनो ये कपड़े। अब आवाज़ सुनकर दीपक क्या कहता है कि रुक जाओ और ये कपड़े बदल लो, यानी पहले तो हिंदू बनकर पूजा किए, अब मुस्लिम बन रहे हैं। अब घर का नक्शा बदल जाता है। क्या सब नक्शा बदला, तो पहले वो था, अब देखो घर का नक्शा क्या होता है कि वो लोग जो मंदिर वहीं बन, हमारी मंदिर वहीं बनेगी, उस बोर्ड को हटा कर लगाते हैं, मस्जिद वहीं बनेगी। इसे दरवाजे के सामने मंदिर वाला बोर्ड हटा के रख देते हैं। और शोर बढ़ता है। रितिका और रोशनी बुरका पहन लेती है, दीपक और दिनेश वो इस्लाम वाली टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर। कुछ लोगों का अंदर प्रवेश होता है। ये तो घर का दृश्य था, अब लोग आते हैं तो बातचीत उनका हम देखते हैं क्या होता है। घुस जाओ, यह हिंदू का घर है, जला दो फूंक दो, औरतों को मत मारना, रुको रुको, यह क्या इस समय नमाज। अब एक व्यक्ति अंदर आके कहता है, घुसो और यह हिंदू का घर से मार डालोगे, वो तो इस्लाम के मानने वाले थे, उन्हें मस्जिद चाहिए था। वो कहते हैं कि यहाँ घुसो और इस हिंदू का घर से मार डालो। दूसरा कहता जला दो फूंक दो। तीसरा कहता औरतों को मत मारना। अब चौथा कि रुको, यह क्या इस समय नमाज, यानी नमाज पढ़ने का जो पांच वक्त है वो अलग अलग समय है, वो समय नमाज पढ़ने का नहीं था। इसे चौथे को आश्चर्य होता है, इसलिए वो पूछते हैं प्रश्न होता है कि इस समय नमाज क्यों। अब पांचवा व्यक्ति, यह समय नमाज का तो नहीं है। अब पांचवा व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है कि समय तो नमाज का नहीं है, इसलिए लगता है ये मुसलमान नहीं है, इन्हें मालूम नहीं कि नमाज कब पढ़ा जाता है, ये मुसलमान बनने का ढोंग कर रहे हैं और करेंगे मुसलमान हूँ और नमाज पढ़ के ये हमें दिखा रहे हैं हम अल्लाह ताला। अब रोशनी कहती है, हम अल्लाह ताला की नमाज इस समय बाबरी मस्जिद के लिए कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हें ताकत बख्शे। आप अब रोशनी क्या कहती है, हम ईश्वर से नमाज और उसकी स्तुति यानी प्रार्थना उससे कर रहे हैं, किस लिए, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अल्लाह से, उसके लिए हम नमाज कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी जहां हम चाहते हैं, और ईश्वर तुम्हें वो ताकत बख्शे, बख्शना ना देना, शक्ति दे ताकि हम उस मस्जिद को बना सकें। रितिका आप अल्लाह के फजल से मस्जिद बनाकर ही लौटें, यानी आप इस अल्लाह ईश्वर जिसे हम कहते हैं गॉड, उसकी मदद से मस्जिद बनाकर ही घर वापस आएं। ठीक है अल्लाह के बंदे बंदो, चलो इन्हें छोड़ दो, ये तो अपने ही आदमी हैं। अब पहला व्यक्ति क्या कहता है कि ठीक है अल्लाह के बंदो, यानी कि तुम भी इस मनी अल्लाह खुदा के ही आदमी हो, इसलिए हम लोग में छोड़ देते हैं और चलते हैं, सभी चले जाते हैं। रितिका अब कहती पापा यह कब तक चलेगा, यानी रितिका दिनेश और रोशनी की बेटी है, वो पूछ रही है ये सब कब तक चलेगा, हम लोग कब तक हिंदू और मुस्लिम का ढोंग रचते रहेंगे, उस तरह का कार्य करते रहेंगे। अब दिनेश, मम्मा ये धर्म का चक्कर तो हमारी जान ही ले लेगा। अब दिनेश क्या कहता है कि जो धर्म का चक्कर है कि हम हिंदू और मुस्लिम बन रहे हैं, ये क्या करेगा, हमारी जान को ले लेगा। नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगी, इन्होंने अभी देखा ही क्या है, मैं इन धर्म वालों से कहूंगी मेरी जान ले ले पर मेरे बच्चे को छोड़ दे। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों से कहूंगी, उन्हें कहूंगी कि ये मेरी जान ले ले लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। इतने में दरवाजे पे दस्तक होता है, यानी कि खटखटाने की आवाज़ आती है, और दीपक जो है दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है, हरवंश एक परिचित व्यक्ति है, वो है दीपक। हरवंश क्या हुआ। अब दीपक हरवंश से पूछता है कि क्या हुआ। हरवंश, दीपक सावधान हो जा, मूल्य के आतंकवादी घुस आए हैं, सबको छिपा दो, दरवाजे जोर से बंद कर दो।
अब हरवंश कहते हैं कि मुल्ले के आतंकवादी आए हुए हैं, मोहल्ले के आतंकवादी घुसाए हैं, यानी हमारे जो जिस जहाँ रहते हैं वो जो कॉलोनी जिसको कहते हैं उसी मोहल्ले के आतंकवादी घुसाए हैं, सबको छिपा कर दरवाजे अंदर से लगा लो। अब इतने में दृश्य बदलता है, क्या होता है, हरवंश के पीछे कोई बंदूक लगा देता है और दो आदमी मुंह ढककर अंदर घुस जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, हरवंश जो आता है दीपक को सावधान करता है कि मोहल्ले के आतंकवादी घुस आए हैं, सबको छिपाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दो। इतने में जो है दो आदमी मुंह को ढककर आता है और हरवंश के पीछे बंदूक लगा देता है। तो आज बस इतना ही, और आगे हम अगले भाग में देखेंगे।